अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़मा शाकिर, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हमारा आज का जो मुद्दा है ट्रिपल तलाक पे है। ये जो बिल अभी कल ही पास हुई है ट्रिपल तलाक पे, ये बिल्कुल बेमानी है और हम इसको अपोज करते हैं, क्योंकि इसमें एक ये भी है कि अगर कोई भी शौहर जो है बीवी को तलाक देता है तो उसको 3 साल की जेल होगी और उसके बाद जो है उसको बीवी का भी और बच्चों का भी मेंटेनेंस देना है। वो जब कमाएगा ही नहीं 3 साल जेल के अंदर, वो जेल में चक्की पीसेगा, उन्हें किसका मेंटेनेंस देगा? बच्चों का देगा, बीवी को देगा, या अपने वालदैन को देगा, या अगर उसके घर में छोटे भाई बहन हैं। और वैसे भी हमारी ये जो शरीयत है, ये 1400 साल पुरानी शरीयत है, इसको कोई भी तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीयत जो है अल्लाह की और अहमद सल्ला वसलम की बनाई हुई शरीयत है, इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं हो सकती है। और हमारा ये जो कुरान है, कुरान मजीद जो है वो एक रिलीजियस ही किताब नहीं, वो एक डिसिप्लिनरी बुक है, जिसमें हमारे उठने बैठने का, खाने का, पीने का, तलाक का, खुला का, हलाला का, हर चीज़ का बयान है उसमें वाजिया तौर पर। इंसान को, एक मुसलमान को, एक मोमिन को किस तरह की ज़िंदगी बितानी चाहिए, हमारे कुरान शरीफ में वाजिया तौर पर सूरह बकरा में, सूरह निसा में, सूरह तलाक में, तलाक के ऊपर लिखा गया है बाज़ाब्ता। पहला जो तलाक है, तलाक बैन है, अगर, और ये भी उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर दो फर्द मतलब मियाँ बीवी, दो फर्द की आपस में नहीं बनती है तो खुशी खुशी कुछ दे दिला के विदा करना है, औरत को रोके नहीं रखना है अपनी झूठी अना के लिए, झूठी शान के लिए कि मैं कोई बड़ा हूँ, इसको रोक के रखता हूँ। क्योंकि काफ़ी ऐसे शौहर हैं जो बीवियों को ये भी बोलते हैं, देख तेरे को ऐसे ही लटका के रखता हूँ, तेरे को डाइवोर्स नहीं देता हूँ, दूसरी लाता हूँ और ला के बताता हूँ। ये बहुत ही गलत बात है। हमको देखना चाहिए कि हम किसकी उम्मती हैं, हम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हमको उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 बीवियाँ थी, लेकिन उन्होंने किसी बीवी को तलाक दिए और ना ही किसी बीवी से खुला लिए। हमको उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। और वैसे भी अगर ये देखेंगे, ट्रिपल तलाक का मसला इतना बड़ा मसला नहीं था जितना इसको हाइप करे, जितना इसको बड़ा बनाए, क्योंकि सरकार क्या है, ये चाह रही है कि हमारे को इन छोटी छोटी उलझनों में उलझाए और बड़ी बातों को हम भूल जाए। जैसे तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे कि लोग कितना एहतजाज पे उतर आए, वो लोग जिंदा चूहों को मुंह में रखे, लेकिन मीडिया वाले तब क्या करे, मीडिया वाले बिजी थे ट्रिपल तलाक के ऊपर। किसानों का क्या है, नौकरियों का क्या है, 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आएंगे, उसका क्या है? बड़े बड़े मुद्दों से हमको हटा के, हमको डाइवर्ट करके इन छोटे छोटे मुद्दों को इतना हाइप कर रही है मीडिया। मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और हमारे इसमें क्या है, मजहब में, इस्लाम में ये भी है कि अगर बीवी छोड़ना चाह रही है, शौहर से अलग होना चाह रही है, तो उसको बाकायदा इजाज़त है खुला लेने की। खुला का मतलब वो इल्तिजा कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है शौहर को कि मेरे को अपने निकाह से खारिज कर दो। क्योंकि हमारा माशरा इतना बिगड़ा हुआ है, यहाँ छोटी सी छोटी बात को लेकर एक औरत को पीटा जाता है, एक औरत को मारा जाता है, एक औरत को बेइज्जत किया जाता है। मेरी तो ये डिमांड है गवर्नमेंट से कि हज पे जाने से पहले जैसे ट्रेनिंग दी जाती है कि हज के क्या हुकूक है, कैसा करना, वैसे निकाह से पहले मियाँ बीवी के लिए भी क्लासेस होने चाहिए। क्योंकि हमारे माशरे में इतनी आजकल तबाही आ चुकी है कि छोटी सी छोटी बात को लेकर तलाक दिया जाता है, और औरत कितना सहेगी, कितना बर्दाश्त करेगी? कभी ना कभी तो औरत का बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो जाता है। और औरत को बाज़ाब्ता इजाज़त है कुरान में कि उन्हें खुला लेकर अलग हो सकती है शौहर के साथ, अपने लिए दूसरा हम सफ़र शरीक हयात ढूंढ सकती है ताकि उसकी ज़िंदगी जो है अच्छे से बीते। यहाँ पे इतने केसेस निकाले, अभी ये निर्भय एक्ट निकाले रेप के ऊपर, उसके ऊपर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? परसों एक 6 साल की बच्ची का गैंगरेप हुआ, उससे पहले जो है 12 साल की बच्ची का गैंगरेप हुआ, और अभी हाल ही में
वो जो है लालागुड़ा में संध्या रानी, हाँ लालागुड़ा में संध्या रानी को जो उसका वो लड़का जो उसको छेड़ रहा था कार्तिक, पेट्रोल डाल के जिंदा जलाया रोड पे, उसके साथ क्या करें? वो तो आपूदेया वाक्या था। वो बच्ची जो थी वाहिद एक बच्ची कमाने वाली थी खानदान की, बाप वालदा और भाई। मैं उसकी मैयत पे जाके आई, उसकी हालत जो थी देखने लायक थी, उससे पहले मैं उसकी फोटो देखी बच्ची की, उसके ऊपर क्या एक्शन लिए? सेंटर में ट्रिपल तलाक का वो ली ली, यहाँ पे हमारे जो केसीआर जी है उन्हों 498 का वो इतना वीकन करके औरतों के हाथ काट के दे दिए। आजकल आप मुझे बोलिए अगर कोई भी 498 इशू आता है किसको उसमें सुनवाई होती है, किसको रिमांड पे भेजते हैं? इतना वीक सेक्शन वो हो गया आजकल, औरत के लिए कहीं पे वो नहीं है, औरत कहीं महफूज ही नहीं है, औरत की कहीं सुनवाई नहीं है। फिर आप लोग ये बोल रहे हैं कि ये औरत के हक में है ये ट्रिपल तलाक। क्या आप लोगों ने किसी भी इस्लामिक अदारे से, किसी भी इस्लामिक तंजीम से, किसी भी बड़े लोगों से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मशवरा किया कि क्या बेहतर रहेगा इसमें और क्या बेहतर नहीं रहेगा? ये तो बिल्कुल ही जुल्म करने का वो है। और ऐसे भी कई औरतों को ही क्यों, मुसलमान औरतों को ही क्यों, 32 लाख औरतें हैं जिनको ना शोहर ने छोड़ा है और ना ही शोहर ने अपनाया है, लटका के रखा है, उन औरतों को क्या? ये कह रहे हैं जब ट्रिपल तलाक का बिल पास होगा, ट्रिपल तलाक के लिए ऊपर कोई लॉ निकलेगा, उसके बाद इन मसलों को देखेंगे। अभी ये जो अभी बिल पास हुआ है इसके ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट क्या? ये तो किसी के भी फेवर में नहीं, हम तो बाकायदा इसको रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी शरीयत को कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमारी शरीयत को कोई जेर जबर तब्दीली नहीं कर सकता है, क्योंकि ये किसी भी पंडित की या किसी भी राजा की या किसी भी महाराजा की बनाई हुई नहीं है, ये आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की शरीयत है, ये ऊपर से आई हुई है, ये यहाँ पे तब्दील इसको कोई नहीं कर सकता। और बाज़ाब्ता हर चीज का, महर का, हलाला का, देखिए अगर शौहर बीवी को 3 टाइम छोड़ देता है उसके बाद अगर वो दोबारा बीवी के साथ रुजू करना चाहता है तो बीवी को किसी और मर्द के साथ सो के शादी करके रिश्ता कायम करके फिर वो शौहर जो है अपनी मर्जी से छोड़ना, तब जाके उन्हों अपने पहले शौहर के साथ निकाह कर सकती है। ये कितनी भयानक बात है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता था तो आदमी को कोड़े पड़ते थे, कोड़े मारते थे अगर डाइवोर्स की बात आती थी, तो ये कितनी गलत बात है। हिंदुओं में आप ले लीजिए, वो लोग डाइवोर्स नहीं दे सकते, लेकिन कई मेरी बहनें ऐसी हैं जो सताई हुई है शौहरों की, वो तब तक बीवी से अलग नहीं हो सकते जब तक बीवी को मार ना डाले या बीवी मर ना जाए। और नरेंद्र मोदी जी मुसलमान औरतों के पीछे क्यों पड़े हैं और एकदम से ऐसा पेश कर रहे हैं कि मुसलमान मर्द जो है जाहिल है, गवार है, बीवियों को क्या है पैरों की जूती समझ के रखे हैं, ऐसा मुस्लिम माशरे को पेश कर रहे हैं। उन्होंने कौन सी हक तलफी अपनी बीवी के साथ करे? उन्होंने बीवी को अपनाए ना बीवी को रखे, उनके ऊपर क्यों नहीं कुछ सोच रहे हैं? हमारी जो भाभी जी है उनके बारे में सोचना चाहिए नरेंद्र मोदी को, तब जाके मुसलमान औरतों के पीछे पड़ना चाहिए। अरे आपके पास बड़े बड़े मसले हैं, किसानों के मसले हैं आपके पास, यूथ की एजुकेशन के मसले हैं आपके पास, बेरोजगारी के मसले हैं, आप 15% 15 लाख रुपए वादा करे हैं, ये सब चीजें हैं। आप इन बड़े बड़े मसलों को देखिए, ये छोटे छोटे मसलों में क्यों उलझा रहे हैं सबको? शुक्रिया।